कहानी ऑटो वाला भूत। दुनिया का कोई भी देश हो, वहां के लोगों में भूत, प्रेत और पिशाचों का डर तो रहता ही है। कुछ लोग इन भूत, प्रेत, पिशाचों को मानते हैं और कुछ लोग इसे बस मन का वहम बताते हैं। लेकिन जब उनका सामना किसी ऐसी शक्ति से होता है जिस पर उनका बस नहीं चलता, तो अंत में उन्हें मानना ही पड़ता है कि इस संसार में भूत, प्रेत और पिशाच हैं और उनका अस्तित्व भी है। जिस तरह हम रहते हैं, उसी तरह उनके भी रहने का कोई न कोई ठिकाना जरूर होता है। हमें कभी भी इनके अस्तित्व पर सवाल नहीं उठाना चाहिए और ईश्वर से विनती करनी चाहिए कि भूत, प्रेत और पिशाचों से हमारा सामना कभी ना हो। अंधेरी रेलवे स्टेशन पर हमेशा की तरह आज भी भीड़ थी। लोग स्टेशन से बाहर आते और बस में बैठकर अपने अपने घर चले जाते। रमेश और उसका दोस्त कमलेश रोज शाम को सीरियल की शूटिंग से वापस आते। ऑटो से घर जाने के लिए पैसा ज्यादा लगता, इसलिए वो लोग हर रोज शाम को बस से अपने घर जाते। एक दिन उन्हें शूटिंग से आने में देर हो गई। उस समय तक सारी बसें बंद हो चुकी थी। अब उनके पास दो रास्ता था, पहला कि वो पैदल जाएं और दूसरा कि वो ऑटो करके जाएं। रात काफी हो चुकी थी, अगर वो पैदल जाते तो उन्हें घर जाने में काफी समय लग जाता और अगले दिन सुबह उन्हें शूटिंग के लिए देर हो जाती। इसलिए उन दोनों ने ऑटो से जाने का फैसला किया। लेकिन जब वो ऑटो स्टैंड गए तो वहां कोई ऑटो वाला नहीं दिख रहा था। पास खड़े एक आदमी से पूछने पर पता चला कि आज ऑटो ड्राइवरों का स्ट्राइक है। यार ये क्या तमाशा है, ऑटो स्ट्राइक का मतलब ये थोड़ी है कि एक भी ऑटो ना चलाओ। हमारे जैसा आदमी तो परेशान ही हो जाएगा, इन लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए। यार कितने दिनों बाद तो आज हम ऑटो में बैठने वाले थे और आज ये ऑटो नहीं चल रहा। तभी उन्हें एक ऑटो वाला आता हुआ दिखाई देता है और वो उसे रोकता है। अरे भैया, अरे सुनो सुनो सुनो, महाडा चार बंगला चलोगे क्या? हाँ जी जरूर चलेंगे, क्यों नहीं चलेंगे। दोनों ऑटो में बैठ जाते हैं। इस समय रोड पर न कोई ऑटो न कोई बस, एकदम शांत सड़क। रात की ठंडी हवा उनके कानों को छू रही थी। लेकिन आज तो बंदी है ना, फिर आप कैसे ऑटो चला रहे हैं भैया? मैं इन ऑटो स्ट्राइक विस्ट्राइक के चक्कर में नहीं पड़ता, और किसी में दम भी नहीं जो मुझे रोक सके। भाई साहब आप तो बड़े दमदार आदमी हो। भाई मैं दमदार आदमी तो हूँ, और मुझे किसी से डर भी नहीं लगता। ऑटो वाले की बात सुनकर कमलेश को मजाक सूझती है। भाई भूत से भी डर नहीं लगता। अब भूत की क्या बात करते हो भाई, छोड़ो ना भूत की बात, कोई और बात करो। इतना सुनकर कमलेश ऑटो ड्राइवर पर खूब हंसता है। क्या भाई इतना डरते हो, भूत भूत अरे कुछ नहीं होता, मैं तो ऐसे ही मजाक कर रहा था। दोनों को लगा कि ऑटो ड्राइवर छोटे दिल का है, इसलिए भूत का नाम सुनते ही डरने लगा है कि तभी ऑटो का पहिया एक गड्ढे में पड़ जाता है और ऐसा झटका लगता है कि रमेश आगे लुढ़क जाता है। रमेश की नजर ऑटो ड्राइवर के पैर पर पड़ती है तो पैर देखकर रमेश के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि ऑटो ड्राइवर के पैर उल्टे थे। उसे डर लगने लगता है क्योंकि बचपन में उसने सुना था कि चुड़ैलों और भूतों के पैर उल्टे होते हैं। लेकिन कमलेश इस बात से अभी भी अनजान है। रमेश कमलेश को सच्चाई बताकर दोनों बचकर निकल जाना चाहते हैं। कई बार उसने कमलेश को बताने की कोशिश की, लेकिन ऑटो ड्राइवर शीशे से अक्सर पीछे देखता रहता है। एक बार फिर रमेश ने हिम्मत करके अपने दोस्त को ऑटो ड्राइवर की सच्चाई बता दी। सच्चाई जानकर कमलेश डर जाता है और कांपने लगता है। क्या हुआ भाई साहब, कोई दिक्कत है क्या? नहीं भाई साहब कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा दो मिनट के लिए ऑटो रोकेंगे। रमेश ऑटो को रोकने के लिए कहता है, लेकिन ऑटो वाला नहीं रुकता। रमेश के कई बार कहने के बाद भी ऑटो ड्राइवर ऑटो नहीं रोकता। अब दोनों को और भी ज्यादा डर लगने लगता है। रमेश के दिमाग में एक आइडिया आता है और फिर वह गुस्से से चिल्लाता है,
एक बार में तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा, जब हम बोल रहे हैं ऑटो रोको तो क्यों नहीं रोकते? मेरे दोस्त का मोबाइल गिर गया है, जल्दी रोको। इतना कहने के बाद ऑटो ड्राइवर उनकी तरफ अपना सिर घुमा देता है। उसका चेहरा बदला हुआ है, उसकी आंखों से खून टपक रहा है। अब ये ऑटो नहीं रुक सकता, अब तुम दोनों मेरे शिकार हो। इतना कहकर भूतिया ऑटो ड्राइवर अपना सिर सामने करके ऑटो की रफ्तार और बढ़ा देता है। अब रमेश और कमलेश को लगने लगता है कि उनकी मौत निश्चित है, लेकिन दोनों अपने बचने की अंतिम कोशिश करने की सोचते हैं। उनके पास बचने का यही एक अंतिम रास्ता था। ऑटो की रफ्तार इतनी तेज थी कि उससे कूदने के बाद भी दोनों की जान जा सकती थी, लेकिन इसके अलावा उनके पास कोई रास्ता नहीं था। रमेश ने कमलेश को इशारा किया और दोनों एक ही बार में ऑटो से कूद गए। रोड पर फिसलकर दोनों के हाथ पैरों से खून निकलने लगे। दोनों को लगा कि अब ऑटो नहीं रुकेगा और हम बच गए, लेकिन कुछ दूर जाकर ऑटो रुक जाता है और वापस मुड़ने लगता है। ऑटो को अपनी तरफ बढ़ता देख दोनों समझ जाते हैं कि अब बचने का कोई रास्ता नहीं, ये भूत हम दोनों को मार डालेगा। लेकिन तभी पीछे से पुलिस की गाड़ी सायरन बजाते हुए आती है और दोनों के पास आकर रुक जाती है। पुलिस की गाड़ी को देखकर उनकी जान में जान आ जाती है। अरे क्या हुआ, कोई एक्सीडेंट हो गया क्या? किसी गाड़ी ने ठोक दिया क्या? सर वो जो सामने ऑटो है ना, उसी ने हम दोनों को ठोका है। ये सुनकर दो पुलिस वाले उस ऑटो की तरफ बढ़ते हैं। पुलिस वाले जब ऑटो के सामने पहुंचते हैं तो ऑटो वाला उन दोनों के ऊपर ऑटो चढ़ा देता है, जिससे दोनों पुलिस वाले बुरी तरह घायल हो जाते हैं। ये देख दरोगा गुस्से से आग बबूला हो जाता है और अपने पिस्तौल निकाल कर ऑटो के ऊपर फायरिंग करने लगता है। जैसे ही दरोगा के पिस्तौल की गोली खत्म होती है, भूत ऑटो से बाहर निकलता है और दरोगा का गला दबाकर उसे मार डालता है। दरोगा के मरने के बाद कमलेश और रमेश किसी तरह उठकर भागने लगते हैं और दरोगा को मारने के बाद वो भूत अब उनके पीछे बढ़ने लगता है। भूत को अपनी ओर आता देख दोनों लड़खड़ाते हुए और रफ्तार से भागने लगते हैं। रमेश पूरी ताकत के साथ भाग रहा था और कमलेश को भी तेज भागने के लिए बोल रहा था। पीछे से भूत भी उतनी ही तेजी के साथ भागता हुआ दोनों के पीछे आता है। एक बार फिर उन्हें लगता है कि पुलिस वालों की तरह हम भी मरने वाले हैं कि तभी उन्हें गणेश जी का मंदिर दिखाई देता है। दोनों भागकर गणेश जी के मंदिर के अंदर पहुंचते हैं और सुकून की गहरी सांस लेते हैं। मंदिर का पुजारी उन्हें जब घायल अवस्था में देखता है तो बोलता है, क्या हुआ बच्चों, तुम लोगों की यह हालत कैसे हुई? दोनों पुजारी को पूरी घटना के बारे में विस्तार से बताते हैं कि तभी भूत ऑटो लेकर मंदिर के पास पहुंच जाता है और पुजारी को ललकारता है। हे पुजारी, इन दोनों को मेरे हवाले कर दे, नहीं तो तुझे भी नहीं छोड़ूंगा। देखो, तुम इन बच्चों को नुकसान पहुंचाओगे तो मैं तुम्हारा अंत कर दूंगा। अगर दम है तो बाहर आओ, देखता हूं तुम मेरा अंत कैसे करते हो। पुजारी गणेश जी का त्रिशूल लेकर रमेश और कमलेश के साथ मंदिर के बाहर आते हैं। उनके मंदिर के बाहर आते ही भूत उन पर हमला कर देता है तो पुजारी भी उस पर त्रिशूल चला देते हैं। त्रिशूल के लगते ही भूत जलकर राख हो जाता है। कमलेश और रमेश वो रात मंदिर में ही बिताते हैं और सुबह पुजारी जी को धन्यवाद देकर चले जाते हैं।